नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी गुड़ के मीठे पूड़े, जो कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया ही था कि सावन लगने वाला है, तो मैं गोपाल जी को कुछ मीठा बनाकर ही भोग लगाऊंगी सबसे पहले। वैसे तो पूरा सावन आप पकवान का भोग लगा सकते हैं, कुछ भी मीठा बनाकर भोग लगाएं, या कुछ नमकीन, समोसे, पकोड़े, जो भी बना सकते हैं आप उसका भोग लगाएं। लेकिन जो हमारे गोपाल जी हैं वो थोड़े मीठे के कुछ ज़्यादा ही शौकीन हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत मीठे से की जाए। तो आज मैं उनके लिए बना रही हूँ गुड़ के पूड़े। तो चलिए देखते हैं गुड़ के पूड़े बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैंने लिया है 4 से 5 पीस गुड़ के लिए हैं। आप 1 कटोरी चीनी ले सकते हैं। आपको जितने पूड़े बनाने हैं आप उसी हिसाब से गुड़ लेंगे। तो मैंने 5 पीस गुड़ के लिए हैं। गुड़ को मैंने पहले भिगो कर रख दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब मैं बनाऊंगी गुड़ के मीठे पूड़े। आप चीनी भी ले सकते हैं, चीनी के भी बना सकते हैं अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो। लेकिन जब आप गुड़ के बनाएंगे तो आप देखेंगे कि वो ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, और जो चीनी के बनते हैं वो थोड़े से ठंडे होने के बाद वो हार्ड हो जाते हैं। तो मैं जब भी पूड़े बनाती हूँ मुझे गुड़ के पूड़े बनाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पहले जो मैंने गुड़ का घोल बनाया हुआ है उसे छान लूँगी। ये गुड़ का घोल ख़राब नहीं होता है, आप इसे ढककर फ्रिज में रख सकते हैं। जितनी आपकी ज़रूरत हो आप उतना लें, बाद में आप इसे फ्रिज में रख दें, 1-2 दिन बाद फिर बना लें। फिर मैं इस घोल के अंदर डालूंगी आटा। आटा मैंने थोड़ा ही डाला पहले, क्योंकि अगर मैं इसमें अंदर ज़्यादा आटा डाल दूंगी तो जो ये है इसमें गांठे पड़ जाएंगे और अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो मैं इसमें आटा थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, जितना मुझे ज़रूरत होगी वो मैं घोल देख लूंगी कि घोल हमें कितना पतला चाहिए। और मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी डाल देंगे तो जो ये गुड़ के पूड़े हैं वो बिल्कुल फीके फीके बनेंगे, और जब मीठे पूड़े बना रहे हैं और उनमें मीठा कम हो तो फिर खाने में भी टेस्ट नहीं आएगा। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि आटे की एक भी गुठली ना रहे। अगर एक भी गुठली रह जाएगी जब हम इसे तवे पर डालेंगे तो वहाँ से जो पूड़ा हम बनाएंगे वो फट जाएगा। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आपको मीठा कम पसंद है, अगर आपको लग रहा है कि मीठा ज़्यादा हो गया है, तो आप थोड़ा सा इसके अंदर चम्मच में लेकर हल्का सा चख सकते हैं। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मीठा ज़्यादा हो गया तो आप थोड़ा सा पानी डाल लें। अगर आपको लगे कि मीठा कम है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा आटा और डालकर जो हमने घोल बनाया है गुड़ का वो डाल सकते हैं। लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी अभी काफ़ी गाढ़ी है, इसमें हमें अभी और डालना है। जैसा कि मैंने अभी कहा है कि इसका घोल गाढ़ा है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ का पानी और डाल दूँगी और इसे मिक्स कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर डालूंगी 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। अगर आपके पास सौंफ पाउडर है तो आप सौंफ पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। फिर मैं इसके अंदर डालूंगी ये जो मलाई है, जब हम दूध में से मलाई उतारते हैं उसे किसी अलग बर्तन में निकालते हैं तो आप देखेंगे कि उसके नीचे एक थोड़ा सा दूध आ जाता है, वो पूरी क्रीम ही होती है। तो मैं उस मलाई में से इस क्रीम को निकाल लूँगी। तो मैंने 2 से 3 चम्मच ये क्रीम निकाल ली, ये भी मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जो गुड़ के पूड़े हैं वो बहुत ही टेस्टी बनने हैं, और आपको लगेगा कि आप एक तरह से मालपुए ही खा रहे हैं और उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही फेंटूँगी। तो ये घोल बनकर तैयार है, अब इसके बनाएंगे पूड़े। गैस ऑन करके तवा रखेंगे। तवा मैंने पहले ही रख दिया था, उस पर मैं डालूंगी थोड़ा सा देसी घी। मैं इसे नॉनस्टिक पर बना रही हूँ। अगर आप लोहे के तवे पर बना रहे हैं तो ध्यान रहे कि पहले आप उस पर 1-2 पराठे बना लें, नहीं तो जो आप ये घोल डालेंगे तो वो एकदम से ही चिपक जाएगा। तो मैं तो नॉनस्टिक पर बना रही हूँ। इस पर मैंने डाला है थोड़ा सा देसी घी और मैं इसको कर दूंगी साफ।
फिर मैं इस पर डालूंगी एक चम्मच घोल और इसे मैं हल्के हाथों से फैला दूंगी। पूड़े आप छोटे बड़े किसी भी साइज़ के बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। इसे मैं हाई फ्लेम पर नहीं बनाऊंगी, अगर हाई फ्लेम पर इसे बनाएंगे तो जो चीले हैं वो नीचे से जल जाएंगे, क्योंकि गुड़ के हैं जो कि वो बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसलिए मैं इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही बनाऊंगी। फिर मैं इस पर डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा देसी घी, और मैं इसे देसी घी में ही बनाती हूँ। आप चाहो तो जो घर में आप तेल खाते हैं उसमें बना सकते हैं। ये आप देख ही रहे हैं कि इस पूड़े का जो है कलर चेंज हो गया एक तरफ से, इसका मतलब ये नीचे से सिकना शुरू हो गया है। ये देखिए पूरा कलर चेंज हो गया। अब इसे मैं पलट दूंगी। इसको पलट देंगे, ये देखिए ये इस तरफ भी बिल्कुल अच्छी तरह से बन गया है। इसे भी तवे पर से हटा देंगे, फिर बनाएंगे दूसरा। ये देखिए ये वाला भी बहुत अच्छा बना है। इसको भी हमें दोनों तरफ से ऐसे ही सेकना है जैसे हमने पहले वाले को सेका था। ये देखिए ये भी बहुत अच्छा बना है, तो इसे भी मैं एक तरफ रख दूंगी। बाकी के सारे पूड़े भी हमें ऐसे ही बनाने हैं। ये देखिए मैंने सारे गुड़ के पूड़े बना लिए हैं। ये देखिए ये कितने जालीदार बने हैं, ये बहुत अच्छे बने हैं। तो आप भी इन्हें ऐसे ही बनाएं जैसे मैंने आपको बताया है, और अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं। आप इन्हें खीर के साथ भी भोग लगा सकते हैं, जब आप इन्हें खीर के साथ खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। या आप एक चम्मच मलाई ले लेंगे और अगर इसके ऊपर घी की तरह मलाई भी लगा देंगे, फिर भोग लगाएंगे और आप खुद भी खाएंगे तो देखेंगे कि इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग आया है। आप इसे आम के अचार के साथ भी खा सकते हैं, उसके साथ भी ये खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो जिसके साथ आपके खाने की इच्छा हो आप वो बनाएं और खाएं, अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं और घर में सब बच्चों को भी खिलाएं, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर है, गुड़ का बनाया हुआ है, वाइट चीनी तो इसके अंदर हमने बिल्कुल भी नहीं डाली है। तो ये खाने में वैसे भी हेल्दी है, आटे के बने हुए हैं, तो बच्चे भी इसे बड़े शौक से खाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और मेरी ये आज की रेसिपी भी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर चीको रेसिपीज़ को फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी चीको रेसिपीज़ को फॉलो करें, और आप इसे घर पर बनाकर देखें और बताएं कि आपसे ये कैसे बने। आगे भी मैं आपको सावन के महीने में खाने पीने की वीडियो, जो ठाकुर जी के भोग लग सकता है मीठे का, नमकीन का, सारी वीडियोज़ मैं कोशिश करूँगी आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।